जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरीवराधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर
गुरु हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सुषमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सुषमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज एक महान संत श्री जगदीश पंडित जी का आविर्भाव दिवस है और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और साथ ही श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद का पांचवा अध्याय का श्लोक संख्या 31 पढ़ेंगे। थोड़ा साउंड बढ़ा सकते हैं? तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है ऊपर। ओके। भ्रातृणां प्रायणं भ्राता यो नु तिष्ठति धर्मवीत् स पुण्यबन्धु पुरुष मरुद्भिः सह मोदते। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवीत् स पुण्यबन्धु पुरुष मरुद्भिः सह मोदते। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवीत् स पुण्यबन्धु पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवीत् स पुण्यबन्धु पुरुषो
मरुद्भिः सह मोदते। व्रातृणां प्रायणं भ्राता अनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धु पुरुषो माताजी श्लोक नहीं ओके भ्रातृणां प्रायणं भ्राता वैष्णो देवी हरि ओम हरि ओम वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलो हरि ओम शब्दार्थ शब्दार्थ भ्रातृणाम ज्येष्ठ भाइयों का प्रायणम मार्ग भ्राता आज्ञाकारी भाई यह जो अनुतिष्ठति अनुगमन करता है धर्मवित धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञाता सह वह पुण्य बंधु अत्यधिक पवित्र पुरुष पुरुष मरुद्भिः वायु के देवताओं के सह साथ मोदते जीवन का आनंद भोगता है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल हैं। तात्पर्य विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोकों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अपने भाइयों का अति आज्ञाकारी होता है उसे उनके ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुद लोक पहुंचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए सलाह दी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज महान संत श्री जगदीश पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव का अर्थ है कि जिस दिन महान संत इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं उसको आविर्भाव दिवस कहते हैं। तो श्री जगदीश पंडित जी के बारे में हम लोग आज इस पुस्तक से पढ़ेंगे, गौड़ीय वैष्णव चरितामृत। जगदीश पंडित विश्व के निस्तारक थे, वे कृष्ण प्रेम के आर्द्र अम्बुधर थे, जो सब पर कृपा वृष्टि करते थे। चैतन्य चरितामृत। जगदीश पंडित एवं उनके भ्राता हिरण्य श्रीधाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर के निकट निवास करते थे। एक बार एकादशी के दिन शिशु निमाई निरंतर क्रंदन कर रहा था। वह जगदीश पंडित के घर में महाप्रसाद भात ग्रहण कर शांत हो गया। तदनंतर निमाई ने एक चमत्कार कर दिखाया। शिशु गौरांग ने जगदीश पंडित को एक सुरम्य रूप में दर्शन दिए, जो सजल जलद श्याम वर्ण विद्युतवत दीप्तिमान तथा एक झील मिलाते मयूरपिच्छ से शोभान्वित था, जिसे देखकर जगदीश पंडित भाव उन्माद में मूर्छित हो गए। श्री क्षेत्रधाम जगन्नाथपुरी को प्रस्थान करने पर भगवान गौरचंद्र ने जगदीश से कहा कि वे वहां आकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के प्रसार में उनकी सहायता करें। भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से जगदीश पंडित अपने गांव जसोरा में पूजा के निमित्त जगन्नाथ का एक अर्चा विग्रह नदिया ले आए। श्री कृष्ण के नित्य लीला में जगदीश पंडित चंद्रहासा नर्तकी अथवा एक नागपत्नी कालिया की पत्नी के रूप में सेवारत हैं। श्रील जगदीश पंडित जी की जय। तो एकादशी के दिन की लीला जगदीश पंडित जी के घर पे हुई। तो इसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है चैतन्य भागवत में, इस लीला का आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं ना? तो आज का जो श्लोक है, भ्रातृणाम प्रायणम भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मविद सत्पुण्य बंधु पुरुषो मरुद्भिः सहमोदते। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुद जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है वो बता रहे हैं कि विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोकों में भेजे जाते हैं। तो जितने संबंध हैं मटेरियल रिलेशनशिप, जैसे भाई और भाई के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, बड़ा भाई जो है और छोटा भाई, तो छोटे भाई का कर्तव्य ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि अगर हम समाज को परिवार को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं
तो कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। तो जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम जाना, उस दृष्टि से देखा जाए तो पारिवारिक संबंध का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये टेम्पररी रिलेशन है, कुछ समय के लिए है। कुछ समय के बाद हमको पता नहीं रहता है कि कौन कहाँ जाएगा मृत्यु के बाद। तो ये पारिवारिक संबंध क्या है, ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। ये अच्छा हो या बुरा हो, इसे जो नित्य सनातन जीवन है हमारा, उसका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अगर नित्य दृष्टि से देखा जाए तो कई जगह श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भौतिक संबंध जो है ये इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन साथ ही साथ वैदिक शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी हम देखते हैं कि शास्त्र ये बताते हैं कि उन संबंधों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, उन नियमों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। तो ऐसा क्यों बताया गया है कि इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया फिर संबंधों के बारे में, है ना। तो सबसे उच्च है भगवान से प्रेम करना, है ना। जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, कृष्ण प्रेम। लेकिन कृष्ण प्रेम जो है वो, उसको बताया गया है कि बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम है ना, कृष्ण प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण प्रेम क्यों दुर्लभ है? धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। जो प्रेम है कृष्ण प्रेम, वो उसके लिए बहुत उच्च कोटि की चेतना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको आग में कूदना है तो शरीर आपका आग जैसा होना चाहिए। तो कृष्णा इज सुप्रीमली प्योर, पवित्रम परमम भवान। भगवान श्री कृष्ण जो है परम पवित्र हैं, और अगर हमको उनसे प्रेम करना है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? परम पवित्र बनना पड़ेगा। और परम पवित्र, परम परमो निर्मत्सराणाम सताम, है ना। निर्मत्सराणाम, निर्मत्सराणाम मतलब क्या? ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष रहित, जीरो एनवी, है ना, नो एनवी, है ना। शिलरूप गोस्वामी जी भी बताते हैं ना कि कृष्ण नाम यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीचम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादि शून्य हृदि इप्सित संगलब्ध्वा। निन्दादि शून्य हृदि, है ना, ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जिसका हृदय निंदा आदि से क्या है, शून्य है, जो किसी की निंदा ना करता हो, ऐसा व्यक्ति। तो ये लक्ष्य है हमारा, हमको ऐसा बनना है, है ना। चैतन्य चरितार्थ में श्रील प्रभुपाद जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में बताते हैं कि अगर किसी के अंदर दोष होता भी था तो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं चर्चा करते थे, है ना। निंदा, निंदादि शून्य, शून्य होना है, जीरो, ना, जैसे जीरो, निंदा से जीरो होना है, कोई निंदा का भाव नहीं रहना चाहिए, ना। हृदय, ऐसा हृदय हो जिसका, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। और फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, दृष्टि स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये गंगाम्भसाम्न खलु बुद्बुद फेन पंकै
ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मै। कि दोष क्यों नहीं देखना चाहिए, अगर दोष है भी तो दोष कैसे नहीं देखेंगे, प्रश्न उठता है। कि हम तो देखते दोष है, स्पष्ट दिख रहा है कि दोष है, और आप बोल रहे हैं मत देखो, कैसे? तो उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे गंगा जी का जल है, गंगा के जल में न कीचड़ होता है, मल मूत्र जाता है, दिखता है स्पष्ट बहते हुए, उसके बावजूद संत लोग जाकर उसमें स्नान करते हैं, है ना? करते कि नहीं? जमुना जी के पानी में जाते हैं, हम लोग देखते सारा दिल्ली का मल उसमें जाता है, फिर भी हम लोग उसको पवित्र मानते हैं, दिखता है मल बह रहा है, गंदगी बह रही है, उसके बावजूद हम उसको क्या मानते हैं, पवित्र। मल वो जो जल है, कीचड़ है, वो जमुना जी से मिलने से पहले वो कीचड़ होता है, लेकिन जैसे ही टच करता है जमुना जी को, क्या हो गया? वो जमुना का जल हो गया, पवित्र हो गया। उसी तरह से भगवान का नाम जो ले रहे हैं जो भक्त, कृष्ण नाम यस्य गिरितम मनसा द्रियत, जिसके जिह्वा पर कृष्ण का नाम है, चाहे जाने से चाहे अनजाने से अगर है, अगर उसके अंदर दोष भी है, दिख भी रहा है, तो उसको हमें चर्चा नहीं करना चाहिए, है ना? जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो वो उन दोषों को सुधारने के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन उनको भी सावधान रहना है, अधिकारियों को भी सावधान रहना है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में यमराज का प्रसंग आता है, यमराज ने अजामिल के प्रति जो है ना वारंट जारी किया था, और जब अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया, बाद में यमराज को जी क्षमा मांग रहे हैं अजामिल से, मुझसे गलती हो गई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भागवत धर्म है, और भागवत धर्म में प्रायश्चित और दंड जो है वो उसका एक ही तरीका है। भागवत धर्म का उद्देश्य जीवात्मा को दंड देना नहीं, वो जीवात्मा के हृदय को परिवर्तित करना है। और वैष्णव जो परंपरा है, ये दंड के द्वारा चित्त शुद्धि नहीं करता है, ये हृदय परिवर्तन के द्वारा चित्त शुद्धि करता है। और हृदय परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति को ये महसूस हो, एहसास हो जाए, है उसको एहसास हो, वो महसूस करे इस बात को कि मेरी गलती है, मैं पतित हूँ, है ना? उसको ये महसूस हो, ग्लानि हो, है ना? वो ग्लानि जितना होगा उतना ही ज़्यादा उसका हृदय परिवर्तित होगा। तो प्रमुख जो तरीका है ये है, पर फिर भी अधिकारी लोग कुछ दंड देते हैं, है ना? दंड का विधान रहता है और अधिकारी दे भी सकते हैं, लेकिन वो दंड देते समय भी अगर कोई कृष्ण के भक्ति में लगा हुआ है तो हमें आदर करना है। कृष्ण नाम यस्य गिरितम मनसा द्रियत, किस चीज़ का आदर करना है? कि वो कृष्ण का नाम ले रहा है, है ना? उस चीज़ का को देखते हुए उसका मन में मनसा आद्रियत, मन के द्वारा आदर देना है। तो ये ईर्ष्या रहित हृदय का ये लक्षण है ना? और देखिए यमराज एक परम वैष्णव हैं, लेकिन उनको जो है जिम्मेदारी क्या दी गई है, पिटाई करने की, है? कितना आश्चर्य की बात है, महाजन हैं लेकिन उनको दंड देने की जिम्मेदारी दी गई है, और छोटा मोटा दंड नहीं देते हैं, बड़ा भयानक भयानक दंड देते हैं, है ना? लेकिन उनकी चेतना जो है सदैव भगवान के चरण कमलों में लगी रहती है। वो इस बात से पता चलता है कि कैसे, जब उनके दूतों ने बताया कि उसने नारायण नाम लिया, जैसे ये बात सुना तो अजामिल के दोषों को भूल गए, बल्कि तुरंत है ना प्रणाम कर रहे हैं चेतना, है ना, तुरंत प्रणाम कर रहे हैं अजामिल को, वैष्णव क्षमा मांग रहे हैं कि मेरे अपराधों के लिए आप क्षमा कर दीजिए। हमने कई बार ऐसा देखा है, जैसे
महाराज हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि महाराज से मेरी एक बार बात हो रही थी और महाराज ने कुछ मतलब सुधारने के लिए कुछ डांटा ऐसे, है ना। और फिर डांटने के बाद फिर महाराज है ना क्षमा मांग रहे हैं मुझसे, है ना, कि आप है ना मेरे प्लीज फॉरगिव मी, है ना। तो मतलब इस कोटि का आचरण जो है, तो मैं वही सोचता था कि आखिर गुरु का तो अधिकार बनता है शिष्य को सुधारने का है, लेकिन फिर भी उस अधिकार को किसने कितने सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हैं, उसको एज ए प्रिविलेज ना लेकर एज ए सर्विस ले रहे हैं, है ना। तो जो इवन की अथॉरिटी का जो पोजीशन है ना, उसको भी हमें बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णव समाज है ये, है ना। और यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की, इसलिए बहुत दंड का विधान या जो भी है उसको कैलकुलेटेड वे में लेना चाहिए, क्योंकि टेंडेंसी ये है, प्रवृत्ति रहती है ऐसी कि कब हम बह जाएंगे अपने तीनों गुणों के प्रभाव में, हमको पता नहीं, ईर्ष्या द्वेष, किसी तरह से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्या इससे बचने का, है ना, कि किसी को कष्ट ना हो मेरे आचरण से। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि मेरे आचरण से किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो। और सेवा के दौरान कई बार ऐसा आचरण करना पड़ता है मजबूरी में, न चाहते हुए भी, एज ए मैनेजरियल अथॉरिटी, जिससे कि दूसरे का हृदय दुखी हो जाता है। ऐसा कई बार करना पड़ता है, मजबूरी है, ऐसा सिचुएशन से आता है, है ना। लेकिन उस परिस्थिति में भी उत्साह पूर्वक ऐसा नहीं करना चाहिए। करेक्शन भी हम कर रहे हैं, किसी को डांट भी रहे हैं, तो उसमें उत्साह नहीं होना चाहिए, उसमें मजा नहीं आना चाहिए। जैसे भगवान जीवों को दंड देते हैं, भगवान को मजा नहीं आता, भगवान का हृदय करुणा से अभिभूत रहता है ना। भगवान डांटते भी हैं तो क्रोध दिखता है, लेकिन अंदर भगवान की करुणा होती है हृदय में, और उसी करुणा को जब जीव महसूस करता है, किसी उसके आध्यात्मिक प्रगति के दौरान एक ऐसा स्टेज आता है जब वो भगवान की उस करुणा को जब महसूस करता है, तो उसी उसका हृदय भगवान के चरण कमलों में, है ना, समर्पित होता है। और वहीं से जीवात्मा के उद्धार का वास्तविक रास्ता खुलता है। और हम सब जो हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि जो है उसको स्वामी के जो चेतना है उसको अपने हार्ट में कैरी करना पड़ता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले भगवान की चेतना को अपने हृदय में महसूस करना कि भगवान क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में। अगर भगवान होते तो कैसे डील करते इस सिचुएशन में, भगवान क्या करते, उसको सोचकर और तब एक्शन, तब डिसीजन लेना, है ना। इसको कहते भगवान को स्मरण करते हुए। तो ईर्ष्या से मुक्त, तो ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, और निंदा आदि लक्षण है ईर्ष्या का। तो परमो निर्मत शरणाम सताम, ऐसे लोग जो हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। लेकिन कौन है ऐसा जो इन अपने इंद्र तृप्ति की इच्छा से मुक्त है? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस संसार में सांसारिक प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान जो है ऐसी नियम बनाते हैं कि आप जो प्राप्त करना चाहते हो उसी को प्राप्त करते करते कुछ नियम फॉलो करो आप, जिससे ग्रेजुअली हमारा प्यूरिफिकेशन
तो भाई भाई में अक्सर क्या होता है, झगड़ा होता है नहीं? जनरल ट्रेंड ये है कि दो भाई जो होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, है ना, स्पेशली विवाह के बाद। विवाह तक तो थोड़ा प्रेम रहता है, इतना ज़्यादा लड़ाई होता भी है तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद लड़ाई ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना, इरिपेरेबल डैमेज, है ना। तो और ईर्ष्या ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है, ईर्ष्या बढ़ता है ना, किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए, है ना, धन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। जहाँ पे धन होगा, प्रॉपर्टी होगी, जायदाद होगा, तो वहाँ पे चांस रहेगा क्या कि उसके लिए क्या होगा, झगड़ा होगा, है ना। जहाँ पे पोस्ट होगा, पोजीशन होगा, उसके लिए झगड़ा होगा। जब तक वो नहीं आता है तब तक झगड़े का चांस कम है, वो जब आता है तो वहाँ से झगड़ा, वहाँ से डिजायर्स आती है, डिजायर से फिर झगड़ा शुरू होता है। तो इसलिए जनरली भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है किस लिए? सुख के लिए। किसके लिए? सुख के लिए, भौतिक सुख। कि अगर यहाँ पे झगड़ा करके अगर उसको मैंने हरा दिया, उसको पटक दिया, तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, तो मैं इस प्रॉपर्टी का भोग करूँगा, इस उद्देश्य से झगड़ा होता है, है ना। तो वैदिक शास्त्र कहते हैं कि अगर तुमने उसको पटक दिया तो तुमको 5,000 का फायदा होगा, लेकिन अगर तुमने अपने भाई से प्रेम किया तो तुमको 10,000 का फायदा होगा। तो कैलकुलेट करता है, 5,000 वाला फायदा, अगर पीटूंगा तो 5,000, प्रेम करूंगा तो 10,000, तो बोले प्रेम वाला ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए प्रेम कर लेते हैं। लेकिन जो भी करेगा फायदे के लिए करेगा, तो प्रेम भी करेगा तो फायदे के लिए करेगा। ये शास्त्र बताते हैं कि अपने बड़े भाई का अनुगमन करना चाहिए छोटे भाई को, और अगर ऐसा करेगा तो मरुत लोक में जाकर वहां पे आनंद भोगेगा। तो ये प्रलोभन है क्या? तो इसलिए फॉलो भी करता है, तो इसलिए नहीं करता है कि फॉलो करने के लिए, किस लिए करता है? ये फॉलो करेगा तो मरुत लोक में आनंद भोगेगा, है ना। बट एटलीस्ट इस बहाने कम से कम फॉलो करेगा, कम से कम अनुगमन करेगा अपने भाई का, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेंटेलिटी यहाँ पे क्या है, आनंद भोगने की, मरुद लोग में आनंद भोगने की। अगर उसको बोल दिया जाए कि आप बड़े भाई को फॉलो करोगे तो आपको कोई, है ना, भगवान की सेवा मिलेगी, तो बोलेगा इससे क्या होगा, है ना। तो उपदेश देते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, उसी के अनुसार उसको उपदेश देना चाहिए। तो यहाँ पर ये नारद जी उनको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, अब प्रचेता के प्रचेता को यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं ना। दो सेठ दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं, है ना। उनको पहले 10,000 पुत्रों को उन्होंने ब्रह्मचारी मार्ग पे, है ना, इंस्पायर कर दिया, और फिर दूसरे सेट 1,000 पुत्र और आए, वो भी तपस्या कर रहे थे, है ना, उनको भी इंस्पायर कर दिया कि बड़ा भाई जो है वो जब, है ना, सब छोड़कर, है ना, निवृत्ति मार्ग पे चला गया, तो तुम लोग क्यों प्रवृत्ति मार्ग पे, तुम लोग भी उनका अनुसरण करो, है ना, उन्हीं के रास्ते पे जाओ, है ना। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, है ना, ब्रह्मचारी बनाने का। तो नारद जी का एक तरह से देखा जाए तो हृदय बहुत कठोर है ना, कि ऐसे काट देते हैं बंधन को, है कि नहीं? बहुत कठोर हृदय है कि, है ना, माता पिता से सबसे उनका बंधन पूरा काट दिए, एक तरह से देखा जाए भौतिक दृष्टि से बहुत कठोर है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता ये काम, है ना, कि दूसरे को संसार के बंधन से सीधे बोल देना कि छोड़ दो सब, उसके लिए भी बहुत क्या चाहिए ना, बहुत ज़्यादा, है ना, विश्वास चाहिए, है ना, भरोसा चाहिए भगवान में। तो नारद जी ऐसा कर देते हैं ना, कि वैराग्य मार्ग पे कई ऐसे उदाहरण हैं, उनके संग से लोग सांसारिक आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं और वैराग्य मार्ग पर चल पड़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ
इस श्लोक में बताया गया, समय हो गया है ना, तो प्रयास किया हमने चर्चा करने का। थैंक यू सो मच। और कुछ कमेंट और क्वेश्चंस अगर हो तो ये तामित प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। तो आज जगदीश पंडित का जो आविर्भाव दिवस है, तो इनका तुरोभाव दिवस भी अभी कुछ दिन पहले आया था, पौष शुक्ल चतुर्थी जो 26 दिसंबर को इनका तुरोभाव आया था, और आज पौष शुक्ल द्वादशी है, तो आज इनका आविर्भाव दिवस आया है। तो इनके विषय में बताया गया है चैतन्य भागवत में कि जगन्नाथ मिश्र के घर के निकट ही इनका घर था, और जिस दिन एकादशी थी उस दिन बालक निमाई रो रहा है, रोता जा रहा है और चुप नहीं हो रहा है। सर्व हरे नाम के द्वारा चुप कराना चाहते हैं लेकिन चुप नहीं हो रहा है। यहाँ पर बड़ा जो है बहुत बड़ा संदेश है, इसलिए मैं बहुत बड़ा हरि बोल ठीक है आवाज। तो इस लीला में बहुत बड़ा संदेश है। अभी तक बालक जन्म से लेकर के अभी तक तो वो चुप हो जाता था, हरिनाम से चुप हो जाता था, आज एकादशी का दिन है और हरिनाम से चुप नहीं हो रहा है। इसमें क्या है? बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र के घर में सच्ची माता हैं, सब लोग जो है एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, और बालक जो है एकादशी व्रत कराना चाहता है इसलिए रो रहा है, है? और सब लोग हरिनाम कर रहे हैं, नहीं चुप रहा है ना। तो सब पूछते बेटा किस लिए तुम रो रहे हो, क्या चाहिए तुमको, हम वो लाएंगे, क्या चाहिए तुमको। तो बालक ने कहा मेरे प्राणों की रक्षा अगर करना चाहते हो तो जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत या हिरण्य पंडित के घर में जो विष्णु नैवेद्य बना है वो मुझे खाना है, जब तक वो मैं नहीं खाऊंगा मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होगी। रो रहे हैं हरि बोल। अब इसमें क्या है कि सब लोग तो ये सोचते हैं कि चावल बना था, क्योंकि उसमें गौर गणदेश दीपिका में लिखा है अन्नम घसत प्रभु, अन्न खाया। ये अन्न का मतलब जो है एकादशी का भी प्रसाद को कभी कभी अन्न कहा जाता है, जैसे अन्नाद भुवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, कि वर्षा से अन्न होता है तो अन्न में सब कुछ आ जाता है, जितने भी फल है सब्जी है सब कुछ अन्न में आ जाता है। तो कभी कभी भोजन को हम अन्न का नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में वो उन्होंने एकादशी का कई प्रकार के आइटम बनाए थे भगवान को निवेदन कर, जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग एकादशी कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, तो सब एकादशी के होते हैं, वो भगवान को भोग लगा के हम पाते हैं। तो काफी मात्रा में अगर बनाया है तो इसका मतलब है कि वो एकादशी का था, तो वो अपने खाने के लिए उन्होंने वो बनाया था और भगवान को भोग लगाने वाले थे। तो सच्ची माता तो ये सोच रहे कि ये जो बालक है हमारा जो है ये बड़ा मतलब रीति के विरुद्ध है, बात कर रहा है कि जब भोग नहीं लगा है, उन्होंने भोग नहीं लगाया है और ये खाना चाहता है। तो एक दूसरा संदेश यह है कि ये साक्षात ही भगवान है, तो वो एक अलग रहस्य है कि बालक वो खाना चाहता है। लेकिन दूसरा जो रहस्य है वो शिक्षा के लिए है, वो शिक्षा के लिए है कि एकादशी को आप अन्न मत खाइए, चाहे आप कई प्रकार के व्यंजन बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ, और चाहे जितना खाओ है, तो ये नहीं है कि आप भूखे नहीं रह सकते। तो आप अगर भूखे नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो, लेकिन एकादशी को अन्न मत खाओ। तो जब ये बात उनको बताई जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत को, तो उन्होंने जो है मतलब इसको बड़ा आश्चर्य माना। तो सब लोग तो सोच रहे थे कि बड़े मतलब वो दूर हो जाएंगे और जो है हरि बोल, और वे जो है मतलब थोड़ा मना करें, कठोरता से मना करेंगे कि जब तक भोग नहीं लगाए तो बच्चे की जिद के अनुसार हम कैसे कार्य करें, हमारे मंदिर में हमारे घर में विष्णु जी का मंदिर है, उनको भोग लगाएं बच्चों की जिद। लेकिन नहीं, उन्होंने ये माना क्योंकि भगवान हृदय के अंदर उनको बुद्धि दे रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान दे, कि उस छोटे से बालक एक तो बहुत सुंदर है, तो वो जो है लगता है कि भगवान उस बालक के शरीर में है, निवास कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर है। और दूसरा उसने कैसे पता चला कि आज एकादशी का दिन है, तो उन्होंने ये कहा उसको कैसे पता चला, घर में कोई एकादशी मनाता नहीं, तो सची माता और जगन्नाथ में से नहीं मनाते,
इसलिए आगे जाकर चैतन्य चरितामृत में आता है 14वें परिच्छेद में, आदि लीला का 14वां परिच्छेद है, उसमें भगवान फिर कुछ और बड़े हो जाते हैं तो माता से कहते हैं कि एक जो है मैं आपसे बात मांगता हूँ। तो माता शची कहते हैं बोलो, एकादशी होने नहीं खाना। तो माता से कहा एकादशी होने नहीं खाना। इस शिशु अवस्था में भी उन्होंने जो है हम लोगों को ये जो है संदेश दिया है कि एकादशी दिन मतलब नहीं खाना। और फिर उन्होंने मतलब अपने घर में भगवान को भोग नहीं लगाया, उनका कि भगवान वहाँ मांग रहे हैं तो हमें तो वहाँ देना है, क्योंकि पिछले जन्म में ही यज्ञ पत्नियाँ थी, उसमें नाग पत्नी लिखा है ना जो इसमें किताब में प्रभु जी ने पढ़ा, नाग पत्नी, नाग पत्नी गलत छपा है, वो यज्ञ पत्नी है। तो यज्ञ पत्नी थे ये, तो यज्ञ पत्नी हिरण्य और जगदीश यज्ञ पत्नियों में से दो ये हैं। तो मथुरा के ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ में जो है वो भोग लगेगा, यज्ञ के बाद में वो प्रसाद बनेगा तब वितरण होगा, लेकिन बीच में ही यज्ञ के बीच में कृष्ण बलराम जो है मांग रहे हैं और बालकों को भगवान ने भेजा था लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो बहुत बड़ा उनका दुर्भाग्य मतलब हुआ कि उन्होंने नहीं दिया। और जो उनकी पत्नियां थीं वो यज्ञ पत्नियां थीं, यज्ञ में उनको साथ में यज्ञ पूरा कराना था, यज्ञ पत्नियां थीं, उन्होंने जैसे पता चला जैसे सुना कृष्ण बलराम आए हैं तो अपने पतियों की आज्ञा के बिना ही थाल भर भर करके ले गई कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए। तो ये वही जो है यज्ञ पत्नियां हैं जो कि इस समय भी उसी स्थिति में है कि मतलब भगवान को भोग लगना है और एक बालक जो है मांग रहा है। तो जैसे यज्ञ पत्नियों की बुद्धि थी कि अपने पतियों की अवज्ञा करके, अपने पतियों की आज्ञा के बिना उन्होंने जो है यज्ञ का जितना भी भोजन था थाल में भर भर करके कृष्ण बलराम को खिलाया, तो ये फिर क्यों नहीं करेंगे, उसी प्रकार का कार्य किया तो जरा भी उनको संकोच नहीं हुआ। और ये बोले कि आपको हम नहीं दे रहे हैं बल्कि हम खुद ले करके खिलाएंगे, हम खुद ले जा करके खिलाएंगे बालक को। तो वो खुद ही जो है दोनों जितना भी प्रसाद भोजन तारा काफी मात्रा में था वो सब लेके आए और बालक को जो है खिला रहे हैं और बालक खा रहा है और अब रोना धोना बंद हो गया है, बड़ा संतुष्ट होकर खा रहा है और उनको जो है बड़ी तृप्ति हो रही है बालक को खिला करके, है ना। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान आपके हाथ का बना हुआ खाने के लिए रोए हैं। अगर भगवान रोते हैं ऐसे रोते हैं कि जैसे प्राण निकल जाए उनके, ऐसे ऐसे भगवान रोए, है ना, कितना सौभाग्य है। तो जगदीश पंडित का आज आविर्भाव दिवस है, तो हम भी जो है मतलब कुछ है ऐसी कृपा मांगे, कृपा का एक बिंदु मांगे कि हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा है कई बिंद प्राप्त हो जाए कि भगवान जो है चाहते हैं हमारे हाथ का बना हुआ चाहते हैं। तो भगवान तो भक्तवत्सल हैं, भगवान रोते भी हैं, चोरी भी करते हैं भक्तों का खाने के लिए, छीना छपटी भी करते हैं, कितना करते हैं। अब भक्तों का जो दिया हुआ छप्पन भोग भी नहीं देखना चाहते, इन भक्तों के खाने के लिए, भक्तों का खाने के लिए रोते हैं, छीनते हैं, चोरी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं भगवान। तो भगवान इतने प्रेमी हैं, तो इतना बड़ा सौभाग्य इनका है जगदीश पंडित का। और आज का जो श्लोक है इसमें नारद जी जो है बड़ी अच्छी युक्ति बना रहे हैं प्रचार करने की युक्ति। तो सुंदर गोपाल तो प्रचारक है, तो ये भी उसी दिशा में कार्य करते हैं नारद जी के। हरि बोल। तो ये जो 1000 सबलासु नाम के पुत्र हैं दक्ष के, तो वो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तपस्या कर रहे हैं और प्रजा उत्पन्न करना है ये उद्देश्य लेकर के वो तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या के द्वारा उनका मन इतना पवित्र हो गया कि अब स्त्री की तो इच्छा है नहीं, फिर प्रजा उत्पन्न करने का उद्देश्य फिर भी वो बनाए हुए हैं। तो नारद जी सोचते हैं कि जब इनके अंदर स्त्री की इच्छा नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, तो फिर जो है इनको इस कार्य से विरत हो जाना चाहिए, क्योंकि और बहुत से लोग हैं जो स्त्री की इच्छा करते हैं तो वो जो है संतान उत्पन्न करेंगे और आगे दक्ष फिर कन्याएं उत्पन्न करेंगे और कन्याओं का विवाह होगा दूसरे दूसरे प्रजापतियों से और सृष्टि बढ़ेगी। तो इनको जो है मतलब वो क्या कह रहे हैं, भ्रातृणाम प्रायणम भ्राता, तो तुम तो अपने भाई, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम इनकी आज्ञा का पालन करो। तो कोई प्रश्न करेगा तो पिता की आज्ञा का पालन ना करें, जिन्होंने हमको वन में भेजा है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। तो उन्होंने 10 प्रश्न किए थे नारद जी ने पहले हरियासों के साथ में,
और वो पहले के रूप में 10 प्रश्न किए थे और इनसे भी 10 प्रश्न किए पहले के रूप में. तो 10वां प्रश्न ये था कि अगर तुम ये 9 बातों को नहीं जानते हो तो अपने पिता के आदेश का पालन कैसे करोगे. जब तुम इन 9 बातों को नहीं जानते, पृथ्वी का अंत कहाँ है तुम नहीं जानते, एक ऐसा राष्ट्र है जहां केवल एक ही पुरुष रहता है, एक ऐसा बिल है जाने का रास्ता है निकलने का रास्ता नहीं है, एक स्त्री है जो अनेक रूप धारण करती है, एक ऐसी व्यक्ति है जो वेश्या का पति है, और एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, और एक घर है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, एक हंस है जिसकी कथा बड़ी विचित्र है, और एक चक्र है जो स्वयं ही भ्रमण अपने आप बिना घुमाए घूमता रहता है चक्र. तो 9 बातों को तुम जानते नहीं हो तो अपने पिता के आदेश का पालन कैसे करोगे. तो वो अपने पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं, दक्ष को अपने पिता मान रहे हैं. तो नाराज जी सीधे नहीं बोल रहे कि दक्ष तुम्हारे पिता नहीं है, निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन संकेत कर रहे हैं क्या शास्त्र ही तुम्हारे पिता हैं, शास्त्र ही तुम्हारे पिता हैं. तो उन्होंने अपनी बुद्धि से निर्णय किया कि हमारे पिता तो शास्त्र ही हैं, और जो शास्त्र हैं वो हमारे असली पिता का जो है ज्ञान देते हैं. तो शास्त्र ही असली पिता है. अगर शास्त्र जो है हमको भगवान का ज्ञान देते हैं वो हमारे असली पिता हैं. तो जो पिता जो है भगवान की भक्ति सिखाता है वो असली पिता है. तो भगवान तो पिता है, असली पिता तो भगवान है, लेकिन वो भी असली पिता है, क्योंकि इसके बाद फिर आप और दूसरे पिता को आप नहीं स्वीकार करेंगे, वो कोई दूसरा पिता बनाएंगे नहीं, फिर सीधे असली पिता के पास जाएंगे. तो शास्त्र ही असली पिता है. तो इस तरह से उन्होंने जो है मतलब ये युक्ति बनाई. फिर कहते हैं धर्मवेद, अगर धर्म को जानते हो तो अपने भाइयों का जो है अनुगमन करो. पुण्य बंधु, तुम जो है उनके पुण्य बंधु हो. एक तो पाप बंधु होता है, पाप में साथ देता है तो पाप बंधु होता है, और जो पुण्य में साथ देता है तो पुण्य बंधु. तो उनके पुण्य में साथ दोगे तुम पुण्य बंधु हो. मरुद भी सहमोदे, मरुदों के साथ में आनंद करते हैं. तो यहां पर भाव यह है कि मरुदों को जैसा आनंद हुआ उस प्रकार से. तो मरुद जो है ये दिति के गर्भ में आए लेकिन दैत्य नहीं कहलाए. दिति के गर्भ से जो जन्म लेगा वो दैत्य कहलाएगा. तो दिति का ही वंश है जिसमें दैत्य लोग सब उत्पन्न हुए, कि दैत्य नहीं कहलाए. तो कश्यप मुनि ने जो है दिति को जब कहा कि ठीक है तुम्हारी अगर ये इच्छा है कि तुम ऐसा पुत्र पाना चाहते हो जो इंद्र की हत्या करे, तो ठीक है मैं तुमको जो है एक व्रत बताता हूँ, पुंसमन व्रत. 1 साल तक तुमको नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो फिर जो है एक ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र की हत्या करेगा. लेकिन शर्त यह है, अगर नियम टूट गया तो फिर जो वो पुत्र जो होगा इंद्र का भाई बन जाएगा. और ये जो है उन्होंने इस तरह की चालाकी की कश्यप मुनि ने, और नियमों का पालन ऐसे बताया कि किसी प्राणी से ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मतलब जो वैष्णवों के नियम हैं वो सब बताए. तो देखिएगा जो है फिर इंद्र के प्रति ईर्ष्या भी समाप्त हो गई. और गर्भ के अंदर जो बालक हैं वो पुंसमन व्रत के प्रभाव से उसका बड़ा गर्भ का जो है जो संस्कार भाधान गर्भ संस्कार जो है बड़ा मतलब हुआ शुद्ध चेतना के बच्चे भी हुए. और इंद्र ने जो है जब गर्भ के अंदर जाके वो सोचा कि हमारा शत्रु है, तो इंद्र को पता होना चाहिए कि कश्यप ने पहले से कह दिया था कि दिति अगर नियम को तोड़ देगी तो बच्चा जो है इंद्र का भाई बन जाएगा, इंद्र का शत्रु नहीं होगा. तो इंद्र ने गलती की, अब तो उनके भाई, अब तो ये भाई हैं, क्योंकि दिति जी ने नियम तोड़ दिया कि भोजन के बाद उसने कुल्ला और हाथ ना धो करके सो गई. तो इससे जो है वो नियम टूट गया, तो अब गर्भ के अंदर जो बच्चा है इंद्र का भाई बन जाएगा. तो इंद्र ने फिर वज्र से 7 टुकड़े कर दिए उस बच्चे के, तो 7 रोने लगे. अब 7 जो है बच्चे हो गए, क्योंकि पुंसमन व्रत की इतनी शक्ति थी कि उसमें भगवान विष्णु की शक्ति थी उस व्रत में. तो एक बच्चा जो है 7 बच्चे बन गए और रोने लगे. अब रोने लगे तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि अरे माता जाग जाएगी, मैं तो माता के सोते हुए जो है मैं चोरी से बच्चे मार रहा हूँ, बच्चा मार रहा हूँ, और एक बच्चे को मारा तो 7 बच्चे हुए, अब तो और शोर कर रहे हैं. तो मरुत मरुत इंद्र जो है मतलब ऐसे बोल रहा है मरुत मरुत. वैसे होता है माँ रुत, मतलब आ की मात्रा होती है माँ में, माँ माने नहीं, रुत माने रो, माँ रुत. लेकिन जल्दी में क्या है मरुत मरुत, मतलब बोलने के लिए कि रो नहीं रो नहीं. और 7 के
में से एक एक के फिर सात सात टुकड़े कर दिए कि मतलब आवाज बिल्कुल ना हो, तो 49 बच्चे को वो और रोने लगे और वो कहते हम तो तुम्हारे भाई हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो। तब इंद्र को याद आया कि अरे ये तो हमने बड़ी गलती की, तो फिर वो बोले अरे नहीं नहीं तुम हमारे भाई हो, नहीं नहीं अब तुम जो है हम लोग जो है हम भाई हैं ना। तो गर्भ से निकले तो 50 बच्चे निकले। तो फिर दीदी को जब पता चला तो दीदी का भाव बदल ही चुका था। इंद्र ने अपने अपराधों की माफी मांगी और जो है दीदी ने प्रसन्नता पूर्वक कह दिया कि अब तुम्हारे भाई हैं, अब ये मेरे पुत्र नहीं रहे, तो दीदी के पुत्र नहीं रहे। तो ये दीदी के पुत्र होते हुए भी ये इंद्र के भाई बन गए, ये दैत्य नहीं कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से दक्ष के पुत्र होते हुए भी, यहां महाराज जी का संकेत है कि तुम दक्ष के पुत्र होते हुए भी तुम दक्ष के पुत्र मत बनो। दक्ष का तो इरादा यही है कि प्रजा उत्पन्न करना है ना। तो उन्होंने भी तपस्या की, तपस्या के द्वारा भगवान को जो है प्रसन्न किया और भगवान से आज्ञा मांगी और प्रजा उत्पन्न करने की भगवान ने भी आज्ञा दे दी। लेकिन इनको जो है नारद जी चाहते हैं कि नहीं, इनको जो है अब सीधे शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि अब इच्छा ही नहीं भोगों की तो फिर क्यों लगे। तो इस प्रकार से नारद जी जो है उनको कह रहे हैं, मरुद भी सहम हो देते। तो मरुदों को जो है क्या आनंद आया, मरुदों को आनंद आया कि वो जो है असुरों के साथ नहीं रहेंगे, अब देवताओं के साथ रहेंगे। और 49 जो है ये देवता कहलाते हैं मरुदगण, ये दैत्य नहीं कहलाते हैं। तो दैत्यों को जो आनंद, मरुदों को जो आनंद आया, यहाँ पर वो नहीं है कि मरुदों के साथ में मरुदों के लोक में जाना, बल्कि नारद जी का ये संकेत है कि मरुदगणों को जो है क्या हुआ कि इतना बड़ा अवसर मिला कि वो दैत्यों की संगति से छूट करके कहाँ चले गए, देवताओं की संगति में चले गए। देवता लोग तो भगवान के भक्त हैं, चाहे शुद्ध भक्त ना हो तो भी कम से कम भक्ति दिशा में तो चले गए। तो नारद जी यही उनको इशारा कर रहे हैं कि दक्ष के पुत्र होते हुए भी तुम जो है दक्ष के रास्ते में ना चलो और तुम प्रजा उत्पन्न करने के चक्कर में ना पड़ो और तुम भगवान की शुद्ध भक्ति करो। और भगवान अगर चाहते हैं कि तुम उनके धाम में जाओ तो तुम उनके धाम में चले जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम दक्ष की इच्छा के अनुसार प्रजा उत्पन्न करो, संसार में रहो, पृथ्वी में रहो। तो इस प्रकार से नारद जी का संकेत है। तो कह रहे हैं मरुद भी सहम हो देते, तो मरुद भी सहम हो देते मतलब मरुदों के साथ में आनंद रहोगे, तो उनकी संगति की का भाव नहीं है, बल्कि भाव यही है कि जैसे इंद्र की संगति से जो मरुदगण है वो देवता बन गए, उसी प्रकार से नारद जी की संगति से ये लोग भी 1000 जो दक्ष के पुत्र हैं ये क्या बन जाएं, शुद्ध भक्त बन जाएं और ये दक्ष के रास्ते पर ना चलें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप क्लास में बता रहे थे कि दूसरों की गलतियां देखने में बहुत मतलब सावधान होना चाहिए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि हम अपनी भी गलतियां इंट्रोस्पेक्शन करें। सही, कि सही हम दूसरों को एक्सपेक्ट करेंगे हमारी गलतियां ना देंगे, जबकि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। करेक्ट। नहीं, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम दूसरे का ना देखें, है ना, साथ ही साथ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कोई गलती ना देखे, है ना। हम दूसरे की ना देखें, लेकिन अगर हमारी कोई देख रहा है बता रहा है तो हमको सोचना चाहिए सुधार का, है ना। माइक नहीं है, क्लियर सुने तो कोई आपके बोल रहा है कि मेरी गलती बताइए, कोई बोल रहा है आपको आके कि मेरी गलती बताइए। आर यू आस्किंग दिस, आस्किंग एडवाइस फ्रॉम यू? या सो यस, इफ यू आस्किंग एडवाइस यू कैन गिव, यू नो, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट we have to also see that, you know, we can give advice,
if the person is asking, but sometimes people ask you also, and are they receptive or not? Sometimes people may not take it in a proper sense, so relationship may get spoiled also. So it should be process. He bataya ki first we should glorify the person some good qualities, and then we should offer some correction. Even if he is asking, you know, that tell me some कुछ ऐसी बात बताइए, इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, तो उसमें भी हम कुछ उसका पॉजिटिव बताने के बाद करेक्शन ऑफर करें, तो दैट इज साइन ऑफ नॉन एनवियसनेस, है ना. अगर तुरंत जंप कर रहे हैं उसका केवल निगेटिव बताने के लिए, इसका मतलब है कि हम भी तैयार हैं बताने के लिए. सो कुछ पॉजिटिव बताना चाहिए, अच्छी चीज है ना. ओके, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. पर्सनली वी कैन डिस्कस.